मानी जी बड़े अच्छे व्यक्ति है, मैं जानता हूँ, मित्र है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने बात कही है कि इसलिए हज के बंद करने का समर्थन करें कि देश धर्म निरपेक्ष है, किसी को नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है। ये देखो, हज जो सब्सिडी खत्म हुआ है इस आधार पे हुआ है कि मुस्लिम धर्म के अनुसार, इनके ग्रंथों के अनुसार, वो जकात पैसे लेकर के किसी के सहयोग से हज की यात्रा पे नहीं जा सकता व्यक्ति, वो हराम है, इसलिए किसी के सहयोग से नहीं जा सकता, इसलिए ये गलत था। और काफी मुस्लिम संस्थाओं ने इसका विरोध किया था। सुन लीजिए मेरी बात, अरे सुनिए ना मेरी, मैं कोई बीच में मत बोलिए नुमानी साहब, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। तो इसलिए जो है काफी मुस्लिम संस्थाओं ने इसका विरोध किया था, काफी जो इसके विद्वान है उन लोगों ने विरोध किया था कि हमें नहीं चाहिए। अगर इतना होता तो अभी देखिए सरकार ने किया कि ये पैसे का उपयोग जो है मुस्लिम बच्चियों के उत्थान में होगा, ये अच्छी बात है, लेकिन इस पे क्यों नहीं विरोध कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो चूंकि जका वहां पे जाना, हज में जाना सरकार से सहयोग लेके, ये हराम था, ये ठीक नहीं था, लेकिन अब तक करते रहे। देखो, और रावत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चियां तो बच्चियां है, चाहे हिंदू के हो, मुस्लिम को, ईसाई के हो, उस पैसे का प्रयोग सबके लिए होने चाहिए, लेकिन ये घोषणा करना कि नहीं एक वर्ग विशेष के, तो ये भी तो ठीक नहीं। देश तो धर्म निरपेक्ष है, जैसे नुमानी जी कह रहे हैं। सवाल इस बात का, और जहां तक हमारी हिंदू, देखो हिंदू तीर्थ यात्राओं की बात है, हमारे यहां देखो तीर्थ तो कराए जाते हैं। एक व्यक्ति जो सक्षम है वो 10-10 लोगों को लेके जाता है, 100-100 लोगों को अपने साथ लेके जाता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा दे, तो हमारे यहां तो कोई अलग कॉन्सेप्ट है। हम यात्रा जितने लोगों को कराते हैं वो पुण्य मिलता है और उनको भी भगवान के दर्शन होते हैं। तो सवाल था ना शुरुआती तौर पर, ऐसा ही है, हज में भी यही जो है अवधारणा है। सर, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि अजुद्दीन ओवैसी वो पूछ रहे हैं कि भाई कैलाश मानसरोवर के लिए राज्य सरकार इतना पैसा देती है, तो सरकार पैसा क्यों देती है? या तो संबंधित धर्म से जो धर्म संस्थान है वो पैसा दे दें, जनता का पैसा किसी धर्म विशेष के प्रचार में क्यों लगाया जाए? क्या तुष्टिकरण नहीं है? नहीं, आप इस नहीं नहीं बिल्कुल तुष्टिकरण नहीं है। आप ये देखो, एक तो देश को आजादी मिली और उस देश के आजादी के साथ ही एक मुस्लिम कंट्री के नाम पे पाकिस्तान बन गया, ये बचा खुचा जो है इसको धर्म निरपेक्ष बनाया गया। तो आप ये बताओ, और इसमें कितने मंदिरों, सैकड़ों मंदिर यहाँ पे करोड़ों रुपया आय के स्रोत आते हैं, आय के स्रोत है, उसको सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। क्या ये एक भी कोई मस्जिद है जहाँ पे आय का स्रोत है और वहां पे सरकार ने अधिग्रहित किया? नहीं, बल्कि मदरसों को अनुदान सरकार देती है, वो पैसा मंदिरों के और आश्रम से आता है और उस पे हम इतराज नहीं जता रहे, लेकिन आखिर जाता तो है ना, तो इस पे तो कोई बोलता नहीं। कहने का मेरा मतलब है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, हमें तो और ज्यादा सुविधाएं सनातन धर्मियों को देना चाहिए, हिंदुओं को देना चाहिए, और ये मांगते हैं तो इनको भी दे। लेकिन अगर जो ये वो कह रहे कि नहीं जी हम तो जो है मानसरोवर को भी बंद करो, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। कोई भी धार्मिक व्यक्ति दूसरे धर्म के लोगों को नहीं, ये तो ईर्ष्या से बोला गया बात है। उसके बाद जी के पास कि क्या धार्मिक सब्सिडी को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं सर, चाहे किसी भी धर्म की हो? नहीं देखिए, धार्मिक स्तर पे बहुत लोग देखो धार्मिक है, लेकिन वो जाना चाहते कैलाश मानसरोवर जाना चाहते, उनके जीवन का एक उद्देश्य होता है, क्योंकि जीवन सिर्फ ये भौतिक नहीं है कि खा लिया पी लिया घूम लिया, उसको परमात्मा मोक्ष की तरफ जाता है। तो इसलिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको बिल्कुल मिलना चाहिए, मैं लौटूंगा सर आपके पास, बिल्कुल उसको सहयोग सरकार, लौटूंगा सर आपके पास।